नमस्ते फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं गॉड से प्रे करूंगा जो लोग अच्छे नहीं हैं वो लोग बहुत जल्दी बहुत अच्छे से हो जाएं। और स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल प्रभाकर लेखन में आप सभी का। तो आज हम जो यात्रा आई है हमारी वो है गंगा सागर की। तो गंगा सागर हम लोगों ने विजिट किया यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो हम लोग यहाँ गंगा सागर जा रहे हैं तो हम लोग लगभग यहाँ दो बजे से लाइन में लगे हुए जो अब हमारा नंबर पर आ पाया है। हम लोग जो शिप से जाएंगे, शिप के जो पैड है वहाँ तक लॉन्च पैड पे जाने के लिए हम लोगों को यहाँ वेट करना पड़ा 2.5 से 3 घंटे का। और जो उसका टिकटिंग प्राइस रहने वाला है वो भी हम अपने ब्लॉग में आपको बताएंगे। और अब जल्दी से हम चलते हैं क्योंकि हमारा नंबर आ चुका है और चलते हैं आगे और मिलेंगे आपसे शिप में। फैमिली फाइनली हम लोग बोट में आ गए और हमारे साथ देखो कितने सारे लोग आए हुए। पूरी बोट में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं वो सब हमारे साथ के ही लोग हैं। और हम गंगा सागर पहुंचेंगे, बोट में व्यूज दिखाएंगे आपको कैसा व्यूज रहने वाला है और हम लोग कैसे हमारी जर्नी रही वो हमने आपको पूरी ब्लॉग में बताई। और मिलेंगे अभी आपसे इसी ब्लॉग में गंगा सागर में। फाइनली हम लोग फाइनली गंगा सागर आ गए हैं। गंगा सागर पहुंचना थोड़ा मुश्किल था बट हम पहुंचे
और बहुत ही अच्छा शानदार नज़ारा है यहाँ पे। मन शांत हो गया एकदम गंगा सागर को देखकर। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, हमारे जस्ट पीछे ही गंगा सागर है। ये रहा आपका पूरा गंगा सागर। यहाँ पे मकर संक्रांति वाले दिन मान्यता है यहाँ पर नहाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। और यहाँ पर लगभग अप्रोक्स 60 लाख लोग यहाँ पर आते हैं। 60-60 लाख लोग यहाँ गंगा सागर में डुबकी लगाते हैं। तो अगर आप भी उस पावन अवसर पर आना चाहते हो तो प्लीज़ मत आइएगा, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है, मेरा अपना ओपिनियन। बाकी आप आ भी सकते हैं। और रहने के लिए यहाँ पर कोई होटल और धर्मशाला सारी अभी इस टाइम भी फुल हैं और उस टाइम भी फुल ही रहेंगी। तो यहाँ पे टेंट, बांस के टेंट भी बनाए जा रहे हैं बहुत सारे, तो उन टेंट में रह सकते हैं। बट आपको यहाँ पर जो सा मैंने सोचा था कि इतना बड़ा नाम है तो उतना होगा यहाँ पर होटल, मतलब एकदम से चीप होटल भी नहीं है और अच्छा होटल भी इधर अवेलेबल नहीं है मेरे लिए, ठीक है। और मेरे लिए क्या, जितने मेरे साथ आए, हम 60 लोग आए हुए हैं, 60 में से किसी को होटल नहीं मिल पाया। तो कल हम धर्मशाला में स्टे किए थे, तो आज हम अभी चलते हैं गंगा सागर में नहाते हैं फटाफट और फिर हम चलेंगे वापस और मिलेंगे अब आपसे अगले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, और आपको मेरे वीडियोस थोड़ी भी हेल्पफुल लगते हैं प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्ते।